जी भोपाल में जिस तरीके से आग लगी है उस पर राजनीति हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई राजनीति का सवाल है। टेक्निकल दृष्टि से हुआ है या जो भी कुछ हुआ है उसकी जांच का विषय है। जांच होगी, अगर कहीं इस प्रकार की गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से जांच में सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विषय है कि इसमें मंत्री जी, कांग्रेस भाजपा का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, और भाजपा अब कांग्रेस युक्त होती जा रही है। तो निश्चित रूप से आप रोज देख रहे हैं, कल हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी और संजय शुक्ला जी, ऐसे और भी कई लोग, महत्वपूर्ण लोग जो कांग्रेस से छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके, चूंकि कांग्रेस में अब इस प्रकार की जो भी इतने वरिष्ठ हैं, जो पुराने कांग्रेस के जो विचारधारा के रखने वाले लोग हैं, उनके प्रति बिल्कुल अरुचि हो गई है उनको, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और कौन कौन आने की संभावना है? अब जो भी आए स्वागत है, जो भी आए स्वागत है। आज आपकी बैठक लेने पहुंचे हैं, जिला प्रबंध समिति की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर मानी जा रही, क्या लग रहा है, किस प्रकार से? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे अजय जामवाल जी आज इस बैठक में मार्गदर्शन देंगे, और खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की ये बैठक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख, महत्वपूर्ण हमारे जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं संगठन में, और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की एक साथ हमारी अलग अलग बैठक भी होगी, एक साथ भी बैठक होगी, और ये निरंतर प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। और उसी कड़ी में आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मैं आज, चूंकि इंदौर संभाग के जो हमारा क्लस्टर है, उस क्लस्टर की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं लगातार, मैं पहले भी अभी झाबुआ भी गया, मैं धार भी गया, कल खंडवा था, आज खरगोन है, झाबुआ है, तो इस प्रकार से ये बैठक निरंतर चल रही है। लोकसभा का चुनाव अभी इस समय बहुत तेजी से हम उसमें लगे हैं, बूथ स्तर से लगा करके जिला स्तर तक जहाँ काम करना है संगठन का, वो पूरा काम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर प्रधानमंत्री, और केवल देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिनने भारत का नाम, मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया है, ऐसे हम प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार, मोदी सरकार फिर उनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में बिठाने का काम हम कर रहे हैं। प्राण पण से हम लोग सब जुटे हैं, एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेगा, और पूरी ताकत के साथ में हम लगे रहेंगे, और इस देश को, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 में, जो विकसित भारत की श्रेणी में, विकसित पूरे विश्व में, जो विकसित देश की श्रेणी में जो आना चाहिए, वो प्रथम श्रेणी में लाने का जो लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे साथ माननीय सांसद जी भी हैं, और जी।